Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today is the festival of Diwali, and congratulations, and I wish you a very very happy Diwali to all of you who is watching this episode. Now today I was thinking what is to be made on this auspicious occasion, auspicious day of Diwali. And I think we should be contemplating on the real meaning of Deepavali, because as I observe all over, I feel that however beautiful and enlightening the external lights are, it does not cast away, it does not destroy the darkness of the mind. Okay, so inside most of us, okay, there is darkness inside. We are not clear about who we are, what this existence is, etc., etc. So all these original questions of life, they remain unanswered. We are not aware, okay, we don't find our true nature, our true place in this whole existence. So in that sense, in the sense of wisdom, we are all, most of us, okay, I won't be saying all, but most of us are blind to our own real nature, to our own reality. So I would like to explore the real meaning of Deepavali, or the festival of light, from the yogic science point of view. So I'll be discussing with Sharmaji how this yogic science looks at the festival of light or Deepavali in context to the Atmagyan, in context of the real, you can say, knowledge or in understanding the reality of things. Sharma ji, yogic science ke hisab se, yogic science point of view se, ये जो दीपावली का पर्व हम लोग मनाते हैं, ये कितने भी हम दीपक जला लें बाहर, ठीक है, हमारे मन के अंदर जो अंधकार है, हमारा जो अज्ञान है, ये तो मिटता हुआ मालूम नहीं पड़ता। और अधिकतर लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वो हैं कौन, उनका क्या स्थान है ना, ये पूरी सृष्टि क्या है, एक अंधकार सा मालूम होता है अंदर से, अंदर अंधकार है, पर बाहर हम अपना दीपक जलाते हैं और दीपक, ये पूरा जो लाइट का जो पर्व है, जो सिख लोग हैं वो क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश पर्व, प्रकाश पर्व, और ये बहुत सारे कल्चर हैं जहाँ डिफरेंट तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। तो मैं बाहर की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बाहर तो प्रकाश है ही, मगर आदमी के मन के अंदर अंधकार है। आदमी आज डरा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी कुरीतियाँ हैं और पता नहीं किन किन चीज़ों में फंसा हुआ आदमी, और अपने जो रियलिटी है उस चीज़ को जानता नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के प्रति वो अवेयर नहीं है, है ना, वो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है उसके आगे। तो योगिक साइंस इस दीपावली को या दीपों के पर्व को कैसे देखती है, हमारे अंदर वो, अंदर वो प्रकाश कैसे हो, वो दीपक कैसे जले, कि हम वो, हमारे अंदर एक स्पष्टता हो, हमारे अंदर रोशनी हो, वो तो आप इस पे प्रकाश डालें। ये योगिक साइंस अध्यात्म ज्ञान जो है वो प्रकाश को इस तरीके से स्पष्ट करता है कि प्रकाश जो है वो एक किसी, जैसे कोई केंद्रीय चीज़ होती है, उसमें केंद्रीय चीज़ होने के बाद में जैसे हम दीपक जलाते हैं, तो एक उसमें से एक तेल डाल करके या घी डाल करके या बत्ती से उसके एक प्रकाश फैलाते हैं, तो वो प्रकाश एक केंद्र से फैलता भी है और फिर एक समय में वो जाके सिकुड़ता है। तो फैलना और सिकुड़ना जो प्रकाश का है, वो तो हमारे एक केंद्र में सब जगह पे है, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है। तो अध्यात्म ज्ञान ये कहता है कि फैलना, फूलना और सिकुड़ना, ये पहले से ही इस विषय पे हम बात करते आए, पहली पोजीशन की, जहाँ पे हम उसे आत्मा कहते हैं।
जो जो फूलती और सिकुड़ती जो चीज़ है, तो प्रकाश भी फूलता और सिकुड़ता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो प्रकाश में सब चीज़ें यहाँ पे दिखी, दीपक के ये दीपक हमने जलाए, सबको दिखे, क्या यही बहुत सारे संत ऐसे बोलते हैं कि ऐसा ही प्रकाश हमारे अंदर में होता है? प्रकाश हमारे अंदर में नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश अगर हमारे अंदर में है और बाहर में भी है, दोनों जगह में प्रकाश है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी हुई किसी गुरुद्वारे में जाने की, भक्ति करने की, और ये सारे सिद्धांत पालने की, नियम पालने की, और इतनी उपासना करने की क्या जरूरत पड़ी हुई? क्योंकि हमारे तो बाहर भी प्रकाश है, अंदर भी प्रकाश है, तो प्रकाश है चीज़ें बाहर भी स्पष्ट हैं, अंदर भी स्पष्ट हैं, स्पष्ट हैं, तो क्या जरूरत पड़ी हुई? तो हम ये चीज़ उनके हिसाब से पता नहीं कहाँ पर वो बोल रहे हैं, मगर एक आध्यात्मिक के ज्ञान से, अनुभव से, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। अंदर में प्रकाश नहीं है, अंदर में एक ऐसी स्थिति है जो फैलती है और फिर सिकुड़ती है। एक ऐसी स्थिति है जिसे हम चेतना कहते हैं। तो चेतना फैलती है, सिकुड़ती है, तो उस चेतना में प्रकाश नहीं है। ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल जो है, चेतना में प्रकाश नहीं, उस चेतना में प्रकाश है जो चेतना गतिमान है। तो गतिमान जब होती है, जब किसी पे आधारित होती है, अर्थात कोई भी अगर हम केंद्रित होंगे तभी हमारे अंदर हमें आत्म अनुभव होगा, अगर हम केंद्रित नहीं हैं तो आत्म अनुभव की संभावनाएं नहीं है। तो इसलिए वो प्रकाश, जिसकी प्रकाश की बात हो रही है, वो प्रकाश एक अंडे के ऊपर अंदर बाहर से जब होता है, उसे आधार बनाता है, तभी प्रकाश होता है, नहीं तो प्रकाश हो ही नहीं सकता। मगर ये जो अगर अंडा है, अंडे की हम अगर तुलना करें, तो अंडे की यहाँ ब्रह्मांड के अंदर तुलना करें, तो ये एक अंडा है जिसमें अपना भी एक गणित है, वो इतना अनुभव में नहीं आएगा। मगर जहाँ अनुभव आना है, तो आपको ब्रह्मांड के बाहर वाले, ब्रह्मांड भी एक अंडा है, तो ब्रह्मांड के बाहर की तरफ से जाकर के ही आपको वो चीज देखनी आएगी, जहाँ से वो स्पष्ट हो पाएगी। मुझे एक प्रश्न था यहाँ पे। हाँ बोलिए। कि जो चेतना का प्रकाश है, जो पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ घूम रहा है, हाँ, चक्कर लगा रहा है, हाँ, और वही सिस्टम उस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अंडे हैं, वही सिस्टम है। यदि हर अंडा, यदि कोई भी जीवात्मा है, उसका भी एक अपना ऑरा है, हाँ, अपना है, प्रकाश है, प्रकाश है। यदि वो उस प्रकाश की समझ हो जाए, किसी तरीके से एक अंदर दृष्टि आ जाए कि एक प्रकाश जो है वो चारों तरफ है मेरे, ठीक है, और क्योंकि वो जो चारों तरफ प्रकाश हर अंडे के है, हर अंडे के वही पूरे ब्रह्मांड के भी है, वही ब्रह्मांड के, उस हिसाब से वो प्रकाश और वो प्रकाश एक ही चीज है, एक ही स्थिति है। हाँ, गति अलग है, गति अलग हो सकती है, गति की गति अलग हो सकती है, पर नेचर अलग है। हाँ, पर नेचर एक ही है, नेचर एक ही है, नेचर एक ही है, वो जो चेतन है, हाँ, है ना, गति उसकी, गति की वजह से तेज गति होगी तो प्रकाश होगा, तो प्रकाश होगा, मगर वो धीरे स्लो गति में चल रहा, कोई अंडे में प्रकाश, तो हमें प्रकाश थोड़ा दिखाई, प्रकाश दिखाई दे रहा, मगर जो ये वो सिस्टम समझ में आ जाएगा उसको, सिस्टम समझ में, तो उस सिस्टम से उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में है ना, या पूरे सृष्टि का भी एक अपना प्रकाश है, पूरी सृष्टि का, पूरी सृष्टि का भी एक अपना पूरा घेरा है, एक प्रकाश है, प्रकाश है, ठीक है, वहाँ समझ में आता है, वो वहाँ पे स्पष्ट होता है, वहाँ पे स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। तो यदि वो सिस्टम से यदि बाहर निकलता है, हाँ, उस सिस्टम से बाहर आ जाए, बाहर आ जाए तो बाहर से पूरा प्रकाश में दिखता है, प्रकाश में दिखता है ना, जो उसको अपने में नहीं दिखता, हाँ, प्रकाश, मगर यहाँ अंडे में नहीं समझ में, अंडे में समझ में नहीं, नहीं आ रहा, नहीं बाहर आ रहा। निकल के समझ में आएगा, बाहर निकल, ब्रह्मांड के बाहर निकल के समझ में आ रहा है जी। तो ब्रह्मांड के बाहर निकल के था, तो वो ब्रह्मांड भी एक अंडाकार चीज है, तो वहाँ चीज जब समझ में आ जाती है, तो यहाँ अंडों में समझ में आ जाती है कि यहाँ भी वही गति है, एनर्जी तो यहाँ पर भी है, मगर वो एनर्जी उतनी प्रकाश में नहीं है, उतनी रोशनी में नहीं है, जिसे हम, अगर वही एनर्जी अगर इतनी प्रकाश में होती, तो फिर हमें ब्रह्मांड के बाद जो है आत्मज्ञान की जरूरत क्या पड़ी थी कि मुझे आत्मज्ञान, वो तो हम किसी कोई भी अंडे के साथ हो जाते और हम प्रकाश देख लेते, और प्रकाश देख लेते तो हम ज्ञानी हो जाते। वो प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो इतने समय से एक केंद्रित होता है, केंद्रित होकर के बाद में फैलता है, सिकुड़ता है, फिर उसके बाद प्रकाश भी करता है, फिर प्रकाश को भी सीमित सिकुड़ जाता है, तो ऐसी जो जो दीपक की जो तुलना अभी की जा रही है,
तो ऐसे ही हमारे बॉडी में जिस तरीके से हम जन्मते हैं, मरते हैं, ये करते हैं, तो हमें कोई अपना आत्मज्ञान थोड़ा हो पाता है बार बार कि आत्मज्ञान हो कि हर बार हो जाएगा। तो हम तो इसी चीज़ में हो रहे हैं कि मर रहे हैं, जी रहे हैं, इधर से बदलाव उधर, उधर से बदलाव उधर, हम अदल बदल रहे हैं, साकार निराकार में हो रहे हैं, एक आकार के अंदर में, तो साकार निराकार में है। तो ऐसी स्थिति में हम कितने युगो युगांतर से हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो अभी तक करने में हमने स्टार्ट किया था तब भी हम जीरो थे, और हमने इतने सालों में इतना हमने कर लिया तब भी अभी हम जीरो ही हैं, अभी हम बिल्कुल नील हैं, कुछ नहीं है। और अभी आगे हम जब अनुभव भी कर लेंगे या कुछ भी है, रहेंगे तब भी जीरो ही। इससे आप उबर नहीं पाएंगे कि आपने बहुत बड़ी खजाना पा लिया, तोप पा लिया है, ये चीज़ ठीक नहीं है कि किसी चीज़ को पा लेना इसका मतलब खोना, खोना नहीं है, उन्हें पाना नहीं, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। जीरो से स्टार्ट किया, पहले भी जीरो थे, स्टार्ट किया तो जीरो, और कार्य किया तो जीरो, और कार्य आपने रोक दिया तब भी जीरो। तो जीरो की जो स्थिति आपकी बनी हुई है कि इसे आत्म अनुभव के तरीके से कह सकते हैं कि अंदर बाहर में कितना भी सब चीज़ें स्पष्ट हो रहे हैं, किसी चीज़ की वैल्यू खत्म हो गई उसे बोलते हैं जीरो। तो जीरो का मतलब ये जीरो जीरो वैसा वाला जीरो नहीं, जीरो का मतलब है आपकी अहमियत सभी चीज़ों की, जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर हैं, जितनी भी ब्रह्मांड के बाहर हैं, जितना आपका अनुमान है, जितना आपका आत्मज्ञान है, सब आपकी अहमियत के बिना है, किसी की अहमियत नहीं है। तो अहमियत अगर हम उसके किसी देंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी जगह पे सही नहीं है, सही ज्ञान नहीं है आपको, सही अनुभव नहीं है। तो ये आत्म जो अपनी योगिक साइंस है वो आत्म ज्ञान के माध्यम से अभी एक अनुभव के लिए अंदर बाहर के प्रकाश को इस दीपावली के अवसर पर इस तरीके से एक ऐसा छोटा संदेश जो अंदर बाहर के मन बुद्धि में जो अंधकार हमारे है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार भी अंधकार में है, वो तो है ही, अहंकार तो है ही अंधकार ही। तो अभी ये सभी चीज़ जो अंधकार हैं, अंधकार की भी बहुत वैल्यू है, तो अंधकार की बहुत वैल्यू है और प्रकाश की भी अपने में बहुत वैल्यू है, तो अपनी अपनी कीमत सबकी अपनी अपनी है सभी जगह पे। मगर ये सभी जगह में जा कर के ये तीनों स्थिति में बरकरार बना रहे, एक उधर, एक इधर, अभी एक सेंटर में, तो ये सब चीज़ें जो है आध्यात्मिक के अनुसार आपको इस एपिसोड में बताई गई। इनको आप गहन बार बार सुनेंगे तो आपको हो सकता है कि समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स, वी कैन सेलिब्रेट द रियल दीपावली और द फेस्टिवल ऑफ लाइट ओनली इफ वी अंडरस्टैंड the system of three principles or three elements, okay, and once we are fully aware, once we are clear about these three elements, okay, which are true, which remains in all states, okay, and one thing becomes very clear that there is no value, okay, in its expansion, okay, whatever we do or whatever big or small we do, okay, it is of no value ultimately, initially, in the meantime and at the end, okay, there is no value of whatever we do, okay, and in this way we obtain a kind of equilibrium, okay, which is the state of what is called in Gita sthit pragya. एक भगवान ने, कृष्ण जी ने एक स्थिति बताई गीता में, स्थित प्रज्ञ बोलता है, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, स्थिर हो गई तो उस स्थिर प्रज्ञा में उसको हर चीज स्पष्ट है, स्पष्ट है, हाँ, और अपनी जो जीरो की जो जीरो की स्थिति है, जीरो का मतलब किसी और फैलाव का जो भी उसने किए हैं उसे कोई वैल्यू नहीं है, उसको कीमत नहीं है, उसकी स्थिति वैसी की वैसी है। तो यदि इस चीज को किसी ने समझ लिया, किसी के आगे ये चीज स्पष्ट हो गई, तो समझ लीजिए वो आत्मज्ञानी है, एक जो दीपक है उसके अंदर जल गया है, और ये उसके लिए रियल और असली दीपावली है। तो इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर आगे और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।